सो क्या तुम्हें पता है कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हमारा मैजिक क्यूब स्टोर कब तक चेंज होने वाला है और हमें कौन सा बंडल देखने को मिलने वाला है मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर? नहीं सो क्या तुम्हें जानना है कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल कौन सा होने वाला है? नहीं सो टेंशन नहीं लेने का तुम्हारा भाई आदित्य है ना तुम्हें बताने के लिए कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हमारा जो मैजिक क्यूब स्टोर है वो कब तक अपग्रेड होगा और तुम्हें कौन कौन सा बंडल देखने को मिलेगा मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हमें नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल में कौन सा बंडल देखने को मिलने वाला है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग डिटेल से बात करने जा रहे हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला, वीडियो को आप लोग एंड तक जोर से वॉच कर लेना, वीडियो को कहीं स्किप मत करना। अगर तुम लोग वीडियो को स्किप कर दो तो तुम लोग बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन वगैरह मिस कर दोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल से स्किप वगैरह मत करना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी से हमारी वीडियो को एक लाइक करके रख लेना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहीं कहीं तुम्हें लाल कलर का बटन देखने को मिल रहा होगा उसको क्लिक कर लो, उसके बाजू में लगा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। तुम लोग जैसे ये सारे काम करते हो तुम लोग उसी वक्त हमारी फैमिली के एक मेंबर बन जाओगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर हमें इंस्टाग्राम पे भी एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। और तुम लोगों ने इतने सारे काम अपने भाई के लिए पहले से करके रखे, सो देरी किस बात की, शुरू करते आज का हमारा वीडियो, शुरू करते आज का हमारा कार्यक्रम एक छोटे से इंट्रो के भाग। सो भाई लोग चलो अभी लोग इंट्रो के बाद वीडियो को वापस से स्टार्ट कर लेते हैं, देन बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला पैच इज कमिंग इवेंट के बारे में। सो भाई लोग इस इवेंट के अंदर से हमें तीन गन स्किन देखने को मिलने वाला है, पहला UMP, दूसरा है हमारा M4A1 और तीसरा है हमारा पैरा राइफल। सो अभी हम लोग बात करने वाले कि इसमें से हमें कौन सा गन स्किन लेना चाहिए। सो भाई लोग इसमें से तुम लोग तीनों में से कोई एक गन स्किन ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग अभी बात करें अपना UMP के गन स्किन के बारे में, सो इसका जो एट्रीब्यूट है सिंगल डैमेज है, डबल रेंज है और अपना जो मैगजीन है वो माइनस है। तो अभी हम लोग इसके एट्रीब्यूट वगैरह के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सा गन स्किन तुम्हें लेना चाहिए। अभी सेकंड नंबर के गन स्किन के बारे में बात करें जो कि हमारा है M60 की स्किन, तो इसका एट्रीब्यूट वगैरह के बारे में बात कर ले, तो इसका एट्रीब्यूट अपना सिंगल रेंज एक्यूरेसी माइनस है और जो एमओ पेनिट्रेशन होता है ये प्लस है। सो भाई लोग ये गन स्किन कौन निकालता है हमें कमेंट करके जरूर से बताना यार, मैं तो नहीं निकालने वाला हूं ये गन स्किन। एंड यहां पर तुम लोग देख सकते हो M4A1 की स्किन। सो भाई लोग इसका लुक वगैरह के बारे में बात करें, सो भाई लोग ये गन स्किन लुक वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा फाड़ है एंड इसका जो एट्रीब्यूट वगैरह है वो भी मेरे को ठीक ठाक सा ही लगा है। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा गन स्किन लेना चाहिए अगर अपने को लेना है। तो भाई लोग मैं तुम्हें बता दूं कि अपना अगर तुम लोग M4A1 और UMP में जाओ तो मैं तुम्हें ये दो गन स्किन सजेस्ट कर सकता हूं, और जो अपना M60 है उसके बारे में मैं बोलूंगा कि मत लेना वो M60 की स्किन, क्योंकि अगर M60 की स्किन तुम लोग लेते हो तो तुम्हारा इसमें लॉस है और फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि M60 कोई चलाता नहीं है। बट मैं अभी बात कर लूं अपना जो M4A1 है और UMP है उसमें से कौन सा बेस्ट है। अगर तुम्हारे पास UMP का कोई अच्छा स्किन नहीं है तो तुम लोग UMP की स्किन ले सकते हो, अगर तुम्हारे पास M4A1 की स्किन नहीं है तो तुम लोग M4A1 ले सकते हो। मैं तो लेने वाला हूं का स्किन, तुम लोग कौन सा स्किन लेने वाले हो हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। होपफुली कि तुम्हारा जो भी डाउट वगैरह था अपना गंदे स्किन से रिलेटेड सारा इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है। एंड भाई लोग तुम लोगों को मेरा आवाज बहुत ही ज्यादा अजीब सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि भाई लोग मेरा जो गला है वो पूरा तरीके से बैठा हुआ है, मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है तब भी मैं वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूं, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। एंड बहुत ही ज्यादा मेरा तबीयत खराब है, लगता है मेरे 2 या 3 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा आज के बाद। सो देखते हैं क्या होने वाला है, 2 या 3 दिन अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो तुम लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लेना यार, अगर मैं ऐसे तो मैं चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं रिकवर करना स्टार्ट कर दे गया हूं। सो देखते हैं कितना दिनों में कितना दिन वीडियो एब्सेंट रहता है हमारा। क्या बोला तूने? तो अभी हम लोग बात करने वाले हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला OV34 के अपडेट के अंदर हमारा जो रैम पेज इवेंट है उसके अंदर हमें एक इमोट देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ हमें एक इवो बंडल देखने को मिलेगा, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया था अपने इवो बंडल, बट उसका इंट्रो वगैरह रिलीज हो चुका है तो मैं अभी तुम्हें इंट्रो दिखाता हूं। सो भाई लोग अभी तुम लोग अपने स्क्रीन पे जो ये इंट्रो देख पा रहे हो अपना इवो बंडल का, तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये इंट्रो कैसा लगा है। लोग इंट्रो इतना बढ़िया है, सो भाई लोग सोच सकते हो तुम लोग बंडल कितना बढ़िया होने वाला है। सो भाई लोग बंडल वगैरह भी मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा है एंड इंट्रो तो बहुत ज्यादा ऑसम एंड फार था, तुम लोगों को मैं कमेंट करके बताना कि तुम्हें इंट्रो कैसा लगा है। एंड अभी मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं हमारा इमोट। सो भाई लोग तुम लोग अभी अपने स्क्रीन पे ये वाला जो इमोट देख पा रहे हो ये अपने रैंप पेज के टाइम पे अपने इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है एंड भाई लोग ये तुम्हें टॉप अप में देखने को मिल सकता है, टॉप अप इवेंट वगैरह में ही देखने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है इस इमोट का। सो तुम लोग कमेंट करके बताएंगे तुम्हें ये इमोट किस में चाहिए, अपना टॉप अप इवेंट में चाहिए या फेडरेट विल वाले इवेंट के अंदर चाहिए, हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। मैं तो चाहता हूँ ये टॉप अप इवेंट के अंदर आए, क्योंकि हमें टॉप अप इवेंट के अंदर अपने को टॉप अप इवेंट कंप्लीट करने पर डायमंड भी मिलता है एंड उसी के साथ साथ इमोट भी मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो तुम लोग कमेंट करके बताना कि हमें ये रैंप पेज वाला इमोट अपने को कहाँ मिलना चाहिए, टॉप अप इवेंट में मिलना चाहिए या फेडरेट विल के अंदर मिलना चाहिए, तुम लोग का कमेंट बहुत ही ज्यादा मायने करता है हमारे लिए यार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो भाई लोग अभी लोग बात कर लेते हैं कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हमें गोल्ड रॉयल पे कौन सा बंडल देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग तुम लोग अभी अपने स्क्रीन पे ये जो बंडल देख पा रहे हो ये अपने इंडिया सर्वर के अंदर गोल्ड रॉयल पे नहीं आने वाला है।
मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। क्योंकि भाई लोग, ये जो बंडल तुम लोगों ने अभी अपने स्क्रीन पे देखा है ना, ये बंडल अपने को ब्राजील सर्वर के अंदर अपना जो गोल्ड रॉयल है उसके अंदर मिलने वाला है। सो इसका चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये हमें गोल्ड रॉयल पे देखने को मिले, और बांग्लादेश सर्वर और नेपाल सर्वर के भी अंदर सेम हो सकता है कि ये गोल्ड रॉयल पे तुम्हें देखने को मिल सकता है। बट अभी इंडिया सर्वर के लिए बिल्कुल से कोई कंफर्म चांसेस वगैरह नहीं आ रहे कि ये बंडल हमें देखने को मिलेगा या नहीं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर, क्योंकि बाकायदा अभी तो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर फीमेल बंडल ही चल रहा है। सो इसके बाद हमें कोई मेल बंडल वगैरह भी देखने को मिल सकता है। सो अभी हम लोग वेट करते हैं अपने इंडिया सर्वर के अंदर कि कब तक अपना गोल्ड रॉयल चेंज होगा और हमें कौन सा बंडल देखने को मिलेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और अभी तक कोई लीक वगैरह नहीं निकला, कोई डाटा माइनर ने लीक कंफर्म नहीं किया कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हमें कौन सा गोल्ड रॉयल देखने को मिलेगा। सो जैसे ही लीक वगैरह कंफर्म होता है मैं तुम्हें सबसे पहले वीडियो बना के अलर्ट कर दूंगा। अभी लोग बात कर लेते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कौन से कंफर्म डेट, कौन से कंफर्म इवेंट के अंदर हमारा जो मैजिक क्यूब स्टोर है वो आने वाला है, तुम्हें कौन कौन से बंडल्स वगैरह देखने को मिलने वाले अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। सो भाई लोग देखो, अभी बकायदा तो कोई लीक वगैरह कंफर्म नहीं हुआ है, मे बी बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर OB34 के अपडेट में हमारा जो अपना मैजिक क्यूब स्टोर है वो चेंज हो। क्योंकि भाई लोग, हमारा जो हर बार मैजिक क्यूब स्टोर चेंज होता है वो अपना दिवाली के टाइम में होता है, और इस बार भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि हमारे दिवाली के ही टाइम पे अपना मैजिक क्यूब स्टोर चेंज होगा। तो गरीना फ्री फायर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर मेहरबान कदरदान हो रहा है, क्योंकि हमें 15 मिनट गेम प्ले करने के बदले हमें एक मैजिक क्यूब बिल्कुल से फ्री में मिलने वाला है। सो भाई लोग, तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम लोग कितने सारे आईडी के अंदर मैजिक क्यूब निकालने वाले हो। मैं तो 10-12 अकाउंट के अंदर निकाल लूंगा भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सब लोग बात कर लेते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हमारा जो मैजिक क्यूब स्टोर है वो चेंज होगा, तो हमें कौन कौन से बंडल्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। सब लोग देखो, हमारा मैजिक क्यूब स्टोर वगैरह चेंज होगा। अगर फ्री फायर अभी अनबैन नहीं है और अपना दिवाली तक भी अनबैन नहीं हुआ, तो हमें अपने इंडिया सर्वर के अंदर हमारा आर्टिक ब्लू बंडल और ब्रेक डांसर बंडल देखने को मिल सकता है। बट अगर हमारे इंडिया सर्वर के अंदर गेम उसके पहले अनबैन हो गया, तो हमारे वही पुराने सारे बंडल देखने को मिलने वाले, जैसे हो गया हमारा नाइट क्लोन बंडल, जोकर वाला बंडल मेरा भाई, और उसी के साथ साथ हमारा बैंडेड बंडल, एंड उसी के साथ साथ एक न्यू बंडल भी ऐड होने वाला मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर, जो कि ये वाला बंडल है जो कि मैंने तुम्हें पहले भी कोई वीडियो के अंदर दिखाया था। तो भाई लोग, ये बंडल भी आने वाला है अपने इंडिया सर्वर के अंदर, एंड उसी के साथ साथ हमें गन स्किन वगैरह भी ऐड देखने को मिल सकता है मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। तो तुम लोग हमें कमेंट करके बताना कि ये अपडेट वगैरह तुम्हें कैसा लगा है आज का, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो मिलते किसी और तरक्ती भड़कती वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।